नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधान शिक्षक के लिए आवेदन की बढ़ाई गई समय सीमा। बिहार में अब इस जाति को नहीं मिलेगी अनुसूचित जनजाति की सुविधा। इस मामले में बिहार बना करोड़पति। मद्य निषेध मंत्री ने कहा, शराबबंदी संशोधन से केस में आएगी कमी। मुंबई इंडियंस के सुपरस्टार काइरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्रधान शिक्षक के लिए आवेदन की बढ़ाई गई समय सीमा। बिहार के माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए किए जाने वाले आवेदन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। मालूम हो कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की तरफ से प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक के 40,506 पद पर आवेदन मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तारीख 22 अप्रैल तक की थी, लेकिन अब इसकी तारीख बीपीएससी की तरफ से बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि अब इस बंपर भर्ती के लिए 2 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन करने का लिंक 3 मई से 9 मई तक बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। बिहार में अब इस जाति को नहीं मिलेगी अनुसूचित जनजाति की सुविधा। बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र और अन्य सुविधाओं को सरकार ने निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने सभी सुविधाएं वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रधान सचिव, कमिश्नर, डीएम समेत आयोग और प्राधिकार को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में सुनील कुमार रॉय और अन्य बनाम राज्य सरकार के मामले में 21 फरवरी 2022 को आदेश पारित किया गया था, जिसमें लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र और अन्य सुविधाएं निरस्त करने का आदेश भी दिया गया था। एडीएम के सीआईओ बने बिहार के हसमुख रंजन। बिहार का नाम एक बार फिर देश दुनिया में चमकेगा जब एएमडी के सीआईओ के नाम के साथ बिहार का नाम आएगा। जी हां, कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनी एएमडी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य सूचना अधिकारी बिहार की राजधानी पटना से ताल्लुक रखने वाले हसमुख रंजन को बनाया गया है। हसमुख रंजन की इस उपलब्धि के बाद से एक बार फिर से बिहार का नाम देश दुनिया में इज्जत के साथ लिया जाएगा। आपको बता दें कि कंपनी के विकास के लिए मार्केटिंग और रणनीतिक सहित अन्य मामलों में सीधे हसमुख रंजन का हस्तक्षेप होगा और वो आईटी टीम को लीड करेंगे। उनकी नियुक्ति अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई है। हसमुख रंजन मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं। इस मामले में बिहार बना करोड़पति। राज्य में वाहनों की बिक्री के मामले में बिहार इस साल करोड़पति की श्रेणी में आ गया है। जी हां, आपको बता दें कि इस साल की बिक्री के बाद राज्य में निबंधित गाड़ियों की संख्या लगभग 1 करोड़ हो गई है। वाहनों की संख्या के पैमाने में बिहार 13वें स्थान पर है, झारखंड 15वें और उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। बिहार में भी महंगी गाड़ियों के प्रति रुझान बढ़ा है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग के अनुसार बिहार में निबंधित गाड़ियों में 78 दोपहिया है, जो संख्या में 78,77,000 से अधिक है। ये मध्य और निम्न आय वर्ग की स्थिति में निरंतर सुधार को दर्शाता है। एक बार फिर बिहार का नाम हुआ पूरे देश दुनिया में रोशन। गया के बेटे ने कुछ ऐसा किया काम। अब बिहार पिछड़े राज्यों में शामिल नहीं है। बिहार की एक अलग पहचान देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। आए दिन कोई ना कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति पूरे देश दुनिया में बिहार का नाम रोशन करके आते हैं। इन्हें में एक नाम गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के रानीगंज के रहने वाले दत्तात्रेय उर्फ मोनू महाबली, जिनकी आज हम बात करेंगे। जी हां, मोनू महाबली ने किर्गिस्तान में वर्ल्ड बेल्ट रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। दत्तात्रेय ने इस अहम मुकाबले में किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के रेसलरों को पराजित करके ये कीर्तिमान हासिल किया। इसके बाद किर्गिस्तान में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के प्रेसिडेंट ने उन्हें किर्गिस्तान टोपी देकर सम्मानित भी किया। पटना हाईकोर्ट ने सहारा कंपनी से फिर पूछा, कब मिलेगा गरीबों का पैसा। सहारा इंडिया कंपनी पर इन दिनों देश के अलग अलग राज्यों में पैसा वापस नहीं लौटाने का मामला चल रहा है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने भी सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं के जमा पैसों के भुगतान को लेकर दायर की गई याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इससे संबंधित 27 अप्रैल तक जानकारी दे। इस दौरान कोर्ट ने सहारा से पूछा है कि जनता का पैसा उन्हें किस तरह और कितनी जल्दी लौटाया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा है कि 27 अप्रैल तक अगर कुछ नहीं बताया जाता है तो हाई कोर्ट द्वारा उचित आदेश पारित होगा। डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए इस सत्र से होगा प्रवेश परीक्षा का आयोजन। मालूम हो कि कोरोना की वजह से 2021-23 सत्र में डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजन नहीं किया गया था। सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन माध्यम से 10वीं और 12वीं कक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही मेधा सूची बनाकर नामांकन लिया गया था। हालांकि अब अगले सत्र में ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग ने सत्र 2022-24 में डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजन करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखा है।
वहीं शिक्षा विभाग के द्वारा जून 2022 के प्रथम सप्ताह में अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटन का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा ताकि 1 जुलाई से नामांकन प्रारंभ हो जाए। जून 2022 के प्रथम सप्ताह में अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा ताकि 1 जुलाई से नामांकन को शुरू किया जा सके। मद्य निषेध मंत्री ने कहा, शराबबंदी संशोधन से केस में आएगी कमी। बिहार में शराबबंदी तो 2016 से ही लागू है, लेकिन हाल के ही 2 साल में सरकार इसका सख्ती से पालन करवाने में जुटी है। बिहार में हाल ही में शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया। इस कानून की वजह से कोर्ट में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति जताई थी। वहीं शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी को लेकर चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे का प्रारंभिक रिपोर्ट आया है, जिसमें महिलाओं ने इस कानून का पूरा समर्थन किया। साथ ही उन्होंने बताया कि शराबबंदी कानून में संशोधन से कोर्ट पर भी जो बोझ है उसमें भी कमी आएगी और 30-40% केस कम होंगे। बिहारवासियों को इसी साल मिलेंगे 3 सुंदर सड़कों की सौगात। बिहार में यात्रियों के लिए रास्ते और बिहार की सड़कों को सुगम बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अभी तक बिहार में कई छोटी बड़ी सड़कें बनने से लोगों की राहें आसान हुई है और समय का बचत भी उतना ही हुआ है। ऐसे में बिहार सरकार बिहारवासियों को 2 स्टेट हाईवे और 1 नेशनल हाईवे की सौगात देने जा रही है। जी हाँ, इस साल रून्नी सैदपुर से भिसवा स्टेट हाईवे 87, कादरगंज से खैरा स्टेट हाईवे 82 सहित गया से बिहार शरीफ NH 82 पर दिसंबर 2022 से आवागमन शुरू होने की संभावना है। इससे सीतामढ़ी, शिवहर, नवादा, जमुई, गया और नालंदा जिले के लोगों को यातायात की सुविधा में बढ़ोतरी होगी। 11 जिलों में स्थापित पीकू वार्ड जुड़ेंगे पटना एम्स के शिशु टेली कंसल्टेशन से। बिहार में आग उगलती गर्मी की वजह से बच्चों की सेहत का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है। बिहार में गर्मी के महीने में बच्चों में बढ़ रही बीमारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में स्थापित पीकू को पटना एम्स के शिशु टेली कंसल्टेशन से जोड़ने का निर्णय लिया है। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि अति गंभीर चमकी बुखार और जेई से पीड़ित बच्चों के उचित इलाज के लिए राज्य के 11 जिलों में स्थापित शिशु गहन देखभाल इकाई यानी पीकू को और भी सुदृढ़ किया जा रहा है। पीएम आवास योजना के लाभुकों को देरी से भुगतान पर नपेंगे BDO। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुक को मिलने वाले पैसे में अगर BDO देर करते हैं तो ऐसे BDO नपेंगे। विभाग ने साफ कहा है कि जल्द से जल्द सभी स्वीकृत आवास के विरुद्ध लाभुकों के खाते में आवास निर्माण की पहली किस्त की राशि का भुगतान करे। आपको बता दें कि राशि भुगतान में हो रही लेट लतीफी पर नाराजगी जताते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को सख्त निर्देश दिया है। लाभुकों को राशि भुगतान में देरी होने पर विभाग ने जिलों को लिखे गए पत्र में नाराजगी भी जाहिर की है। ऐसे में BDO की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव बरकरार। एक ओर जहां देश भर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वहीं बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बिहार में लगातार कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव बरकरार है। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए कोरोना अपडेट के अनुसार कुल 68,156 लोगों के सैंपल ली गई, जिसमें 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना का ये मामला क्रमशः दरभंगा, मधेपुरा और पटना का है। इसके बाद बिहार में अब कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 14 पर पहुंच गई है। वहीं 2 कोरोना मरीज ठीक भी होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं देश भर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी गुरुवार यानी कि आज के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2380 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में अभी कोरोना के सक्रिय मामले कुल 13,433 पर पहुंच गए हैं। भीषण गर्मी के बाद अब बारिश और ठनका का अलर्ट जारी। बिहार में एक और आग उगलती गर्मी से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ बारिश और ठनका से। आपको बता दें कि बिहार के उत्तर मध्य भागों में दक्षिणी और पूर्वैया हवा का शक्तिशाली प्रवाह बना हुआ है, साथ ही चक्रवाती सिस्टम भी शक्तिशाली बना हुआ है। इसके कारण सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका आदि जिलों में अगले 2 दिन तक मौसम विभाग ने बारिश और ठनके का अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते दिन तराई क्षेत्र से पूर्व बिहार तक कई जिलों में आंधी पानी के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है, जिसकी वजह से बिहार के दक्षिणी भाग में भी लोगों को रात में ठंडी हवाओं का एहसास हुआ। तेज प्रताप ने लांघी शब्दों की मर्यादा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शब्दों की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर कुछ ऐसा कह दिया। तेज प्रताप यादव अक्सर अपने ट्वीट को लेकर के और अपनी बातों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। इसी बीच उन्होंने एक और ट्वीट कर सनसनी फैला दी है। तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री के लिए लिखा कि नरेंद्र मोदी हर दिन नीचता में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तेज प्रताप ने ये बातें
ट्वीट कर गरीबों के घर पर चलाए जा रहे बुलडोजर को लेकर कहा। तेज प्रताप ने इस कार्रवाई का खुलकर विरोध किया है। मुंबई इंडियंस के सुपरस्टार काइरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के सीमित ओवरों के कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी काइरोन पोलार्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। जी हां, पोलार्ड जो वेस्टइंडीज के सुपरस्टार है और जो वर्तमान में भारत में मुंबई की तरफ से आईपीएल खेल रहे हैं, अचानक संन्यास का ऐलान कर सबको चौंका चुके हैं। हालांकि वो दुनिया भर के T20 लीग खेलते रहने वाले हैं, वो उनके फैंस को जरूर राहत देगा। पोलार्ड इस वक्त आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा है। आखिरी बार उनको वेस्टइंडीज की जर्सी में भारत में ही फरवरी 2022 में देखा गया था। T20 इंटरनेशनल में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले वो बल्लेबाज हैं। पोलार्ड ने कुल 587 T20 मैच में 11,509 रन बनाए हैं। वही T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नीतीश कुशवाहा, सलीम भाई, महेश दास, संतोष सिंह, विनय कुमार, पूना कुमार, अमित कुमार, फिरदौस आलम, शिव शंकर, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, जितेंद्र जावेरी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल पा रहा है या नहीं। अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।